हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली भिंडी। आपने बिल्कुल सिंपल सी तो भिंडी खाई होगी। आज हम बेसन वाली भिंडी है जो नए तरीके से बनाने वाले हैं और कुछ टेस्टी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने भिंडी ली है आधी किलो। भिंडी को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद में इसका पानी है जो अच्छे से हमने सुखा लिया है। और यहाँ पे हमने लिए इसी के साथ में हमने मीडियम छोटी छोटी प्याज जिसको हमें काटना है और छीलना है। तो अब भिंडी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों तरफ से नोक को काट लेंगे और बीच में से चीरा लगा लेते हैं इस तरीके से, देखिए। और भिंडी को एक बार हम चेक भी कर लेंगे, कोई कानी है, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और अगर आपकी भिंडी बड़ी होगी तो बीच में से इस तरीके से टुकड़ा, ये देखिए, बीच में से चार टुकड़े कर सकते हैं आप। अगर छोटी हो तो दो ही रखें। तो इसी तरीके से सारी भिंडी है जो हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो यह देख सकते हो हमने भिंडी को काट लिया अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, भिंडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को भूनेंगे। यहाँ हमने आधी कटोरी छोटी बेसन लिया है, तो बेसन को भुनाई कर लेते हैं हल्की सी। तो यहाँ देख सकते हो हमने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे बेसन। आप पैन में भी भून सकते हो बेसन को, और इसको लो फ्लेम पे हमें भूनना है। जब तक भूनना है जब तक बेसन का कलर है जो चेंज नहीं हो जाता, चलाते रहेंगे हम लगातार। तो यहाँ देख सकते हो हमारा बेसन है जो अच्छे से सिक चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पे हम बेसन को बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए हमने बेसन को बर्तन में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे कढ़ैया के अंदर और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ देखिए तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब डालेंगे यहाँ पे हम जीरा। जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। तो यहाँ देख सकते हो हमारा जीरा है जो अच्छे से सिक गया है। अब डालेंगे यहाँ पे हम हरी मिर्ची और यहाँ डाल देंगे हम प्याज। प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइस में काटा है, आप चाहो तो बारीक भी कर सकते हो। जो प्याज है ना थोड़ी बड़ी अच्छी लगती है भिंडी के साथ में। और प्याज को और हरी मिर्ची को अच्छे से भून लेते हैं हम कलर चेंज होने तक। यहाँ देख सकते हो प्याज का कलर है जो चेंज हो गया है और प्याज हमारी एकदम चटेदार हो चुकी है। ये देखिए बबल से आ गए प्याज के ऊपर। तो बस इतनी हमें भुनी हुई प्याज चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी तेल में भिंडी को भी फ्राई कर लेते हैं। गैस को हमें मीडियम रखना है। तो यहाँ देख सकते हो हमने भिंडी को भी फ्राई कर लिया है तेल के साथ में अच्छे से। 2 मिनट तक लगातार हमने इसको चलाया है। तो यहाँ पे हमारी भिंडी है जो अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब डालते हैं अपने मसाले, रोजाना वाले, कोई अलग से मसाले नहीं डालेंगे हम। तो यहाँ हम सबसे पहले डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर के डालेंगे धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच जाएगी यहाँ पे हल्दी पाउडर। और नमक हम अभी नहीं डालेंगे। तो यहाँ हमने मसाले को भी अच्छे से मिला लिया है। और अब इसके बाद में जो बेसन रखा था ना हमने सेक के, वो डाल देते हैं। और ये बेसन वाली भिंडी बनाने का बहुत आसान तरीका है और झटपट भी बनके तैयार हो जाती है मिनटों में। तो यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा करके बेसन को डाल दिया और एक बार हम अच्छे से मिला लेते हैं बेसन को। और बेसन आपको अभी कम दिख रहा होगा, अभी जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये फूल जाएगा बेसन है जो। अब इसमें हम हल्के से पानी के छींटे लगाएंगे, ज्यादा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है। तो यहाँ देख सकते हो हमने एक बार और थोड़ा सा बेसन डाला था इसमें। तो यहाँ पे हमने पूरा बेसन जो सेक के रखा था वो सारा डाल दिया हमने। और अब यहाँ पे हम डालेंगे नमक। नमक का ध्यान रखें क्योंकि भिंडी होती है सॉफ्ट और ये कम हो जाती है बनने के बाद में। तो नमक आप कम ही डालें स्वाद के अनुसार। तो यहाँ देख सकते हो हम नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी के हल्के से छींटे लगा देंगे। तो हाथ पे थोड़ा सा पानी लेना हमें। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बेसन है जो
पकेगा भी और फूलेगा भी। ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा ही से डालना है और इसको ढक के रख देना है। तो यहाँ हमारे 5 मिनट हो गए लो फ्लेम पे इसको पकाते हुए, और ढक्कन उठा के एक बार हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो बेसन काफी अच्छा फूल चुका है और ये बिल्कुल बेसन में लिपटेमा हो गई है भिंडी है जो हमारी, और पूरी तरह से ये पक के भी तैयार हो गई। तो यहाँ लीजिए हमारे बेसन वाली भिंडी है जो बनके तैयार हो गई है। अगर आपको बेसन वाली भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए, और आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो।